इस शहर के बारिश का तो कुछ पता ही नहीं चलता। अभी 5 मिनट पहले आसमान बिल्कुल साफ था और अभी इतनी तेज बारिश। अरे यार, हम लोगों को ना आवारागर्दी करने के लिए बाहर आना ही नहीं चाहिए था। अब देखो फंस गए ना हम लोग। Hey guys, just chill यार, तुम लोग कितना बोरिंग हो। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत एडवेंचर चाहिए ना। Hey guys, देखो वहाँ एक घर है, चलो ना बारिश रुकने तक हम वहीं रुकते हैं। नहीं बाबा, मुझे तो डर लग रहा है उस घर को देख के। ऐसे लग रहा है आत्मा वात्मा होगी वहाँ पर। अरे मैं हूँ ना, चलो आओ मेरे साथ आओ। अरे ये यश कहाँ चला गया? अरे अभी अभी तो यहीं पे था। नहीं यही होगा कहीं, इसकी बहुत पुरानी आदत है, ऐसा नहीं होगा। डर गया ना? अरे यश क्या है यार ये? तुझे क्या लगा? मजाक से तू ही कर सकता है। अरे मेरे 30,000 का फोन गिर गया तेरी वजह से। 30,000 का? 300 का तो फोन है, कुछ भी बोल रहा है। मेरा फोन ढूंढो यार। काफी दिनों बाद छुट्टी मिली, शॉपिंग वॉपिंग हो गई, मजा आ गया। ये बात तो है। अब वैसे तुमने श्रेया के लिए कुछ लिया कि नहीं? श्रेया के लिए क्या? उसके बर्थडे को तो अभी काफी वक्त है ना। अच्छा बर्थडे कब है ये याद है? अच्छा यार अभिजीत, जैसा तुम समझते हो वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा वैसा कुछ है? हैं यार, तुम एक भी मौका नहीं छोड़ते मेरी टांग खींचने के लिए। तारिका रेस्टोरेंट के अंदर जा रही है। अजा? हाँ अरे हाँ तारिका ही है। और ये हैंडसम लड़का कौन है इसके साथ? हैंडसम ठीक ही है यार, मतलब अच्छा हैंडसम क्या, मगर है कौन ये? कभी देखा नहीं तारिका के साथ में। चलो चल के हाय बोलते हैं। नहीं जाना था यार, बिजी लग रही है वो। अरे बाप, जानना नहीं चाहोगे कि ये किसके साथ बैठी है? हाँ मगर फिर कभी जाते हैं यार। नहीं क्या? हेलो क्या लाश? उसकी गर्दन मरोड़ के ऐसे मारा गया, हाथ पे एक कट का निशान है, इसके अलावा बॉडी पे कहीं और कोई चोट नहीं। हाँ सर, और इनके जूते पे मिट्टी बिल्कुल नहीं है, जबकि घर के बाहर काफी गीली मिट्टी है। ये देखिए सर, हो सकता है इन्हें कहीं और मारा गया है और फिर लाश को यहाँ लाकर पटक दिया। जेब में ना तो मोबाइल है ना वॉलेट, शायद खूनी ने लूट मार के इरादे से इसका खून किया। सर पड़ोसियों से बात करके आ रही थी, पता चला है कि ये घर काफी समय से सुनसान पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता। अच्छा मालिक कौन है इस घर का? सर महिंद्रा नाम का एक आदमी था, उसके परिवार में कोई नहीं था, तो उसकी मौत के बाद ये घर ऐसे ही पड़ा है सुनसान। मतलब लुटेरों ने इस घर को अपना अड्डा बना लिया होगा। आप लोग यहाँ बारिश से बचने के लिए आए थे? हाँ सर। कब? सर कल रात। तो फिर तब हमें क्यों नहीं फोन किया? सर हम लोग डर गए थे
कि सीआईडी को इन्फॉर्म करें या नहीं करें। एक बात हमेशा याद रखना, कानून की मदद करने में कभी भी हिचकिचाना नहीं। अच्छा, आप लोग जब यहाँ आए थे तो आपने किसी और को देखा था? नहीं सर, हमारे अलावा यहाँ कोई था भी नहीं। सर निकल। ये देखिए, लगता है ये निशान किसी के खून से बनाया गया। लगता है खूनी अपनी पहचान बताने के इरादे से आया था, इसीलिए उसने ये निशान यहाँ पे छोड़ दिया। लगता है किसी सीरियल किलिंग की शुरुआत है। हर सीरियल किलर अपना सिग्नेचर पीछे छोड़ के जाता है। हो सकता है ये इस खूनी की पहचान। सही घड़ी मिली है, बहुत पुरानी। शायद ये घड़ी हमें उस खूनी तक ले जाए। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला इस लाश के बारे में? अरे क्या बात है अभिजीत, न कोई हाय न कोई हेलो, सीधा अर्जुन की तरह से सवाल दाग दिया। अभिजीत क्या बात है भाई, आज तो तुमने तारिका से भी हाय हेलो नहीं किया। अब इनसे क्या हाय और क्या हेलो। तारिका जी तो आजकल किसी और के साथ लंच में कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। क्या बात करो, किसके साथ? अब तो ये खुद ही बता सकती है। आज मैंने आपको सनशाइन रेस्टोरेंट में देखा था किसी के साथ। कौन था वो? हाँ वो तो मेरा कॉलेज फ्रेंड था, संयोग। बहुत सालों बाद मिला, पता है? संयोग, वाकई में ये तो संयोग की बात है। इतने सालों के बाद आपको संयोग फिर मिल गया। और ये भी बड़ा अजीब सा संयोग है कि अभी तक आपने इस मरने वाले आदमी के बारे में कुछ बताया नहीं हमें। ओ हाँ हाँ भाई, इस आदमी की उम्र 50 साल है, मौत इसकी गर्दन मरोड़े जाने की वजह से हुई है और इसे मरे हुए 2 दिन हुए। और सर वो खून किसका है जिससे लाश के पास वो निशान बनाया गया था? खून भी इसी आदमी का है। डॉक्टर साहब जाहिर सी बात है ना, खूनी अपना खून थोड़ी इस्तेमाल करेगा निशान बनाने के लिए। थैंक यू, बहुत बड़ी बात बताई आपने, धन्यवाद। अच्छा सर, ऐसी कोई चीज बता सकते हैं इसके बारे में जिससे इसकी आइडेंटिटी का पता चले? हाँ एक खास बात है। क्या है? तारिका। क्या डॉक्टर तारिका इसकी आइडेंटिटी है? यार पेडी, तुम तो अकल की बात करो। इस आदमी की आंख में से हमें ये लेंस इम्प्लांट मिला है। कैसा लेंस है? ये लेंसेज उन मरीजों को लगाए जाते हैं जिन्हें मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट या फिर कोई दूसरी आंख की बीमारी हो। तो इससे इस आदमी के बारे में कैसे पता चलेगा? आइए हमारे साथ। इस तरह के हर लेंस पे एक खास अलग सीरियल नंबर होता है, ये देखिए। और इस सीरियल नंबर को दिखा करके अभिजीत ये पता लगाया जा सकता है कि इस नंबर का लेंस किसने कब और कौन से हॉस्पिटल में लगाया। वाह सारुण कैसे, कमाल कर दिया आपने। सचिन, इस नंबर से पता करो ये लेंस किस मरीज को लगाया गया था। मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। लोगों ने खाना खा लिया है, मैं अकेले खाना खाने जाऊंगा। अच्छा हुआ इस आदमी की आंख का ऑपरेशन हुआ था, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि इसका नाम शंकर है और ये अजूबा नगर में रहता है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में लिखा था ना कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ सर, एक बीवी थी जिसकी कुछ साल पहले मौत हो गई और अब इनकी मौत पर रोने वाला ना कोई दोस्त है ना कोई रिश्तेदार। इतनी अजीब बात, जिस आदमी की चिता को आग देने वाला कोई नहीं, उसका कोई खून क्यों करेगा? सर भले इसका कोई दोस्त ना हो लेकिन दुश्मन जरूर होगा, इसीलिए तो उसका खून हो गया।
ये लो सर, आगे आ चुप बना गया। सर बड़ी अजीब बात है, शंकर रहता था अजूबा नगर में और खूनी ने जाके उसे भंडारा नगर में मारा, ये कैसे हुआ सर? हाँ पंकज जी, बात तो है, लेकिन हो सकता है कि सुंदर भंडारा नगर किसी काम से गया और खूनी ने मौका देखते ही उसका काम तमाम कर दिया। तुम दोनों ने एक बात नोट की, ये जगह कितनी सुनसान है, ना कोई इंसान, ना कोई गाड़ी, ना बच्चों के खेलने का शोर। सर मुझे लगता है सब लोग छुट्टी मनाने गए। नहीं, पूरी की पूरी कॉलोनी उठकर शहर छोड़ के क्यों चली जाएगी, जरूर कोई और चक्कर है। और बाहर कहीं सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं दिया, अगर पूछताछ करें तो करें किससे? सर ये देखिए, ठीक ऐसा ही निशान तो सुंदर की लाश के पास मिला था, शायद खून से बनाया गया, खून सूख गया। लेकिन खूनी ये निशान छोड़ किसके लिए रहा है? हमारे लिए, हमें चैलेंज कर रहा है, देखना चाहता है कि हम उसे पकड़ पाते हैं या नहीं। सर मगर ऐसा था तो खूनी को ये निशान सुंदर के घर के बाहर बनाना चाहिए था, यहाँ क्यों बनाया? ये तो किसी और का घर है। यस सर। ये आवाज कैसे? ये तो सुंदर के घर से ही आ रही है। सर लगता है घर में कोई है। हो सकता है वही खूनी। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। और सुंदर को क्यों मारा तुमने? सुंदर? कौन सुंदर? सुंदर के घर में खड़ा है, पूछता है कौन सुंदर? देखिए मैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आया हूँ। मोहल्ले पे डॉक्यूमेंट? वो क्यों? क्योंकि यहाँ रहने वाले एक परिवार ने मुझसे कहा था कि ये मोहल्ला हॉन्टेड है, आत्माएं रहती हैं यहाँ पर। आत्माएं? What nonsense! हाँ, इसीलिए तो हर कोई यहाँ से चला गया है, और मैं अपने कैमरे में उन्हीं आत्माओं को कैद करने के लिए आया था। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो यार? आत्माएं कैमरा में थोड़ी कैप्चर होती है। कुछ साल पहले मैंने एक टीवी सीरियल में देखा था, दो लड़के और एक लड़की ऐसा ही करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमा लूं। कहानी बहुत अच्छी है, जैसे ही जेल की सलाह के सामने दिखाई दी खूनी से डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन गए थे। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं सर, अगर यकीन नहीं आता है तो आप इस मोहल्ले में रहने वाले परिवारों से पूछ सकते हैं। कहाँ रहते हैं ये मोहल्ले वाले? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज के जमाने में भी आप जैसे अंधविश्वासी लोग हैं जो सिर्फ आत्माओं के डर से अपना बसा बसाया घर छोड़ के कहीं और जाके रहने लगे। तुम लोग क्या करते साहब, जिंदगी तो सबको प्यारी है ना, जब हमें पता चला कि ये मोहल्ला हॉन्टेड है तो हमने यहाँ से निकलने में अपनी भलाई समझी। ये आपको कैसे पता चला कि ये जगह हॉन्टेड है? पिछले महीने इस मोहल्ले में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने का काम चल रहा था, खुदाई के वक्त मजदूरों को एक आदमी की खोपड़ी मिली। क्या? आदमी की खोपड़ी? जी हाँ, और जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि कई सालों पहले यहाँ पे एक कब्रिस्तान हुआ करता था। अगर हमें पता होता कि हमारे घरों की नींव एक कब्रिस्तान के ऊपर रखी गई है तो हम ये घर कभी खरीदते ही नहीं। बस इतनी सी बात का पता लगा और आप लोगों ने अपना घर बदल दिया यहाँ से? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है सर, इस घटना के बाद इस मोहल्ले में अजीब अजीब चीजें होने लगी। अचानक टीवी चलते चलते अपने आप रुक जाता, अचानक लाइट चली जाती। और पिछली गुरुवार की रात को क्या हुआ था जानते हैं आप? रात के 3 बजे अजीब अजीब सी मनहूस आवाजें आने लगी, आवाजें इतनी तेज थी कि हम सब लोग डर से जग गए। ये आवाजें कैसी? मुझे तो लगता है ये उन्हीं लोगों की आवाजें हैं जिनके कब्रों पे हमारा ये घर बना है। हो सकता है, लाइट को भी इसी टाइम जाना था, पर से मौसम कितना खराब हो रहा है। वहां से आ रही आवाज, चलो चलो चल के देखते हैं। नहीं नहीं, तू जाके देख, मुझे डर लगता है, अकेले तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ सब साथ चलते हैं ना। हाँ क्यों, चलो 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 चलो। रामो, अरे रामो, ये सिक्योरिटी को क्या हुआ, सुन क्यों नहीं आए? हमेशा की तरह सो रहा होगा, मैंने कितनी बार कहा है कि इसका हिसाब करके नया गार्ड रख लेते। रामो, रामो को क्या हो गया ये? रामो, क्या कर रहे हो रामो?
वाकई में सो रहा था। मौत हो चुकी थी उसकी। क्या मौत हो गई थी? आत्माओं ने उसे मार दिया था? जी हाँ, डॉक्टर्स ने यही कहा था कि उसकी मौत दिल की धड़कन रुकने से हुई है। पर ऐसा तो तभी होता है ना जब अचानक कोई भयानक आत्मा को के सामने आ जाए। बस बंद करो ये आत्मा की रट लगाना। दिल का दौरा पड़ने से हजारों लोगों की मौत रोज होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आत्मा देख ली। बातें कहना आसान है सर, अगर आप लोगों में हिम्मत हो ना तो एक रात इस मोहल्ले में रुक के देखिए, शायद फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि हम इस मोहल्ले को छोड़ के गए क्यों। जरूरत पड़ने पर वो भी कर लें। अच्छा, वो दीवार पर जो निशान है उसके बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? ये निशान सर, ऐसा निशान तो मैंने रामू की लाश के पास भी देखा था। इसका मतलब इस निशान का वाकई कोई गहरा संबंध है इस केस। पंकज, किसी ऐसे इंसान का पता लगाओ जो ऐसे निशान और सिंबल्स की अच्छी जानकारी रखता हो। ये त्रिकोण है, इसकी सहायता से त्रियाटक किया जाता है। इसके ऊपरी भाग पर अगर कोई ध्यान लगाकर देखे तो उससे उसकी एकाग्रता दुगनी हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल बात करेंगे। आप सीनियर इंस्पेक्टर रजत है ना? जी नाना जी, आपको इंस्पेक्टर पंकज ने आपको बताया होगा कि हम आपसे एक खास चिन्ह, एक खास निशान के बारे में जानकारी चाहते हैं। हाँ हाँ, उस निशान का कोई आप फोटो वगैरह लाए? ये है वो निशान जो एक सर पे रख खूनी जगह जगह बना रहा है। Oh my God, ये निशान? आप पहचानती है इस निशान को? हाँ, हजारों साल पहले दिग्गी शान संस्कृति में इसी तरह के निशान का आविष्कार किया गया था। इतना पुराना है ये निशान, मतलब क्या है इस निशान का? इसका मतलब है सर्वनाश, मौत का तांडव, मौत का प्रतीक है ये। एक दानव का निशान है ये। कैसा दानव? हजारों साल पहले भृगुराज नाम का एक दानव हुआ करता था। उसकी खूनी आंखों में जब भी कोई देखता था तो वो मौत की गोद में पहुंच जाता था। सॉरी, उस वक्त भी इस निशान को बहुत मनहूस माना जाता था, मौत का प्रतीक था ये। नैना जी, ये दानव राक्षसों की बातें किताबों में ही अच्छी लगती, असली जिंदगी से इनका क्या संबंध? और वैसे भी आज के समय में कोई क्यों ऐसा निशान इस्तेमाल करे? हाँ, वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस संस्कृति के बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं है और इस विषय के बारे में कुछ खास किताबें भी नहीं छपी है। अच्छा, आपके अलावा शहर में और कितने एक्सपर्ट्स होंगे जो दिग्गीशान संस्कृति और भृगराज दानव के बारे में जानते हो? हाँ, ज्यादा लोग तो नहीं होंगे, लेकिन पिछले महीने मैंने इसी सब्जेक्ट पर एक लेक्चर लिया था, उसे अटेंड करने काफी लोग आए थे। तो उनमें से कोई ऐसा इंसान जो इस दानव वाले निशान में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रखता हो? हाँ, एक था तो सही, काफी सवाल पूछ रहा था इस दानव के बारे में। कौन था वो? उसका नाम वगैरह याद है? नहीं। उसका चेहरा तो याद होगा, स्केच बनवा सकते? सर, से देखिए, प्रोफेसर नैना ने स्केच बनवा दिया है। ये तो अमित है ना, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। हाँ सर, हमें इसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था। खून करने के बाद ये सुंदर के घर गया होगा सबूत मिटाने के लिए। सचिन, इस अमित को फोन करो और यहाँ ब्यूरो बुलाओ। पूर्वी, इस अमित के बारे में पता करो जल्दी। सर। सर, अमित का तो फोन ही नहीं लग रहा है। फोन नहीं लग रहा है सर, कहीं शहर छोड़ के भागने का प्लान तो नहीं है उसका? फोन ट्रेस करो उसका, उसके घर पे जाके देखो, इतनी आसानी से नहीं भाग सकता वो।
रात के 3 बज चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे आत्माओं की शक्तियां 3 गुना बढ़ जाती हैं। अब देखना यह है कि इस हॉन्टेड अजूबा नगर में हमारी मुलाकात किसी आत्मा से होती है या नहीं। मेरा EMF मीटर यहां सल्फर की मौजूदगी बता रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जहां कहीं भी सल्फर की मौजूदगी हो वहां आत्माओं का होना तय है। दिल थाम कर बैठिए, अब कुछ ही वक्त में हमारी मुलाकात आत्मा से हो सकती है। सल्फर ही है। इस सर्कल में मैं सेफ हूं, मेरे पास नहीं आ सकता वो दानव। नहीं, नहीं। सर एक बात तो पक्की हो गई कि अमित खूनी नहीं था। जिसने सुंदर का खून किया उसी ने अमित को भी मारा है। आप बोले, कैमरे के रिकॉर्डिंग में कुछ पता चला? नहीं सर, खूनी तो नजर नहीं आया, बस कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही जिनके बारे में हमें मोहल्ले वालों ने बताया था। अजीब अजीब सी आवाजें सर, अगर ये मोहल्ले वाले सच कह रहे हो और वो दानव यहाँ आ जाए तो दो चार चुटकुले सुना देना उन्हें, है ना? हाथ पे कटे हुए का निशान है, बाकी बॉडी पे कोई चोट कोई निशान नहीं। मुझे लगता है इसकी मौत भी अचानक दिल की धड़कन रुक जाने से हुई है। वहम और शक दोनों का कोई इलाज नहीं है। एक बार हमारे दिमाग में ये बात घुस गई कि आत्मा दिखेगी तो मामूली सी परछाई को देख के भी डर जाते हैं लोग आत्मा समझ के। सर, सर,
एक बात समझ में नहीं आ रही, जब हम यहाँ आए थे तो दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़कियां भी बंद थी, तो फिर खूनी अंदर घुसा कैसे होगा? ये बात तो है पूर्वी, तो मुझे लगता है इस बात का जवाब है मेरे पास। हम सब बाहर चलते हैं। पूर्वी एक काम करो, तुम इस कमरे के अंदर रहो, इस दरवाजे को अंदर से बंद करना और अंदर से चाबी से लॉक करना इसे। सब, मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। पंकज न्यूज़पेपर लेके आना। ये रही दरवाजे की चाबी। फिर खूनी ने चाबी से ये दरवाजा खोला और ये अंदर। सब ये तो आसान था, पर बाहर जाते वक्त खूनी ने वापस चाबी की होल में कैसे लटकाई होगी? इसका जवाब भी है। अंकल जरा धागा देना। फिर दरवाजे के की होल से इसे अंदर डालते हैं। खींच लो उसको। अब दरवाजा बंद करो। अब पूर्वी उस धागे को दरवाजे से नीचे इस तरफ डाल दो। ओके सर। जरा चाबी देना, इसे बांधो यहां पे। यूं। अब समझ में आया? चाबी को इस धागे से बांध के दरवाजे के नीचे से उस तरफ खींचा गया और चाबी को हवा में लटका के उस की होल के अंदर इस धागे से खींच लिया। सब खूनी तो बहुत ही चालाक था, पर जाते जाते ही गलती कर गया, ये इनहेलर छोड़ गया। इनहेलर? ये तो डॉक्टर सालुंकी ही बताएंगे कि इनहेलर उस खूनी का है या इस अमित का। नया? हाँ सर। पता चल गया कि अमित की मौत कैसे हुई थी। कैसे? ठीक वैसे ही मौत हुई जैसे उस सुंदर और सिक्योरिटी गार्ड की हुई थी, हार्ट अटैक से। लेकिन दया, खूनी ने यह हार्ट अटैक दानव बन के नहीं दिया, बल्कि ऑल्सो बैक्स्टर नाम के केमिकल से दिया। केमिकल से हार्ट अटैक? हाँ दया, ये एक ऐसा केमिकल है जिसे अगर खाने या पीने की चीज में मिला करके दिया जाए तो एक घंटे के अंदर अंदर हार्ट अटैक हो जाता है। तो खूनी चाहता था कि ये सब के सब लोग हार्ट अटैक से मर जाए और लोगों को लगे कि उन्होंने दानव देख लिया है और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। एग्जैक्टली। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से सुंदर को मारा गया है, उसकी गर्दन को मरोड़ के, ये किसी हट्टे कट्टे आदमी का काम है सर, कोई ताकतवर आदमी। और आंदया, उस इनहेलर की मैंने अच्छी तरह से जांच की है, उससे पता ये चला है कि उस औरत को कैंसर था। नैना? नैना? हाँ सर, नैना। सर वो सिंबोलॉजी की प्रोफेसर। सर मैंने उनकी किताब में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने कैंसर का सामना किया और वो जीत गए। हाँ सर, वो बार बार छींक भी तो रही थी क्लास में, ये इनहेलर जरूर उसी का होगा। सर ये देखिए, नैना और उनका बेटा राहुल उसी अजूबा नगर की कॉलोनी में रहा करते थे जहाँ सुंदर रहता था। राहुल का किसी क्रिमिनल ने सबके सामने खून कर दिया था और कॉलोनी वालों ने उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दी थी, इसलिए एक महीने पहले अदालत ने उस क्रिमिनल को बाइज्जत छोड़ दिया। इसीलिए नैना मोहल्ले वालों से बदला ले रही थी। इस नैना से एक बार फिर मिलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे सर, आप लोग उस खूनी का कुछ पता चला क्या? जी पता चल गया, तो हमने सोचा कि चल के उसे एक गिफ्ट दिया जाए। गिफ्ट? आप लोग खूनियों को गिफ्ट भी देते हैं? जी हाँ, एक गिफ्ट आपके लिए भी है। मेरे लिए? हाँ। ये इनहेलर? आप ही कहें, जानना नहीं चाहेंगे हमें ये मिला कहाँ पे? कहाँ मिला? सुंदर के घर में। जब अदालत ने आपके बेटे के खूनी को सजा नहीं दी
तो आपने खुद ही इंसाफ की देवी बनने की ठान ली और सोचा कि क्यों ना पूरे मोहल्ले को ही सबक सिखाया जाए। आप लोग मेरे बेटे के केस के बारे में जानते हैं? सीआईडी से कुछ नहीं छुपा है। आप बताइए, सुंदर को क्यों मारा? अरे मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो पिछले हफ्ते उसके घर गई थी उसे ये समझाने के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में आकर गवाही दे। और जब उसने गवाही देने से मना कर दिया तो आपने उसे खत्म कर दिया। मैं उसे क्यों मारूंगी? जरूर वे मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, कल रात आप कहाँ थे? कल मैं पुणे में थी, एक कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी। पुणे? कहाँ थी ये कॉन्फ्रेंस? होटल सैंड ड्यून्स में। आप चाहें तो पता कर सकते हैं। नंबर है आपके पास उस होटल का? जी है। हेलो जी, कल आपके होटल में नैना जी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई थी। ठीक, थैंक यू सर। ये सच कह रही है? अब तो आपको यकीन हो गया ना? अगर इस काम में नैना जी का हाथ नहीं है तो फिर किसका है? फ्रेडी साहब, अभिजीत कहाँ है? क्यों, क्या बात है? कुछ काम था। अरे मैं हूं ना, मुझे बताओ। क्या बात है तारिका जी, आप तो यहाँ ब्यूरो में? अभिजीत बिजी तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, क्यों, क्या बात है? वो मैं सोच रही थी कि ये केस खत्म होने के बाद क्यों ना हम दोनों कहीं खाने पे चले। आइडिया तो अच्छा है पर पता नहीं कितने दिन लगेंगे केस सॉल्व होने में, और तब तक आप भोगी थोड़ी ना रहेंगे। आप चले जाइए किसी और दोस्त के साथ खाना खाने। तुम तो जानते हो ना कि मेरे ज्यादा दोस्त कहाँ हैं। और वो है वो संयोग। हाँ वही, जो भी संयोग तो अमेरिका में रहता है, यहाँ थोड़ी ना रहता है। वो तो जा रहा है वापस अपने घर। अच्छा, अमेरिका में रहता है? हाँ तो? और जा रहा है? हाँ। कब 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 जा रहा है? उसके तो आज रात की फ्लाइट है। तो आपको पहले बताना चाहिए था। ठीक है, केस जल्दी सॉल्व करते हैं, जल्दी खाना खाने चलते हैं। मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया जब से आपको वो देखा। सर, एक कैसी कड़ी हाथ लगी है जिससे लगता है कि ये केस बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, वो क्या है? सर, जो अजूबा नगर की जमीन है जहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं, वो जमीन किसी मोहन नाम के आदमी की, लेकिन अब वो जमीन सुंदर की है। और मोहन को हमेशा से ये मलाल रहा है कि सुंदर ने उसके साथ काफी धोखाधड़ी की है। मोहन ने उस पर मुकदमा भी किया था मगर हार गया। सर, कहीं ये खून मोहन ने तो नहीं किए अपनी मोहल्ले वाली जमीन वापस हासिल करने के लिए? हो सकता है। ये मोहन रहता कहाँ आजकल? सर, उसका खुद का तो कोई घर है नहीं, ओल्ड एज होम में रहता है। ओल्ड एज होम? खाना खा लिया? दवाई टाइम पर ले रही ना, अपना ख्याल रखिएगा। शायद कोई आया है, आप लोग आराम करो, मैं आती हूँ। सर, लोगों ने यहाँ ओल्ड एज होम में अपने माँ बाप को कैसे छोड़ा हुआ है? वाकई बचपन में जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बुढ़ापे में हम उन्हें ऐसे। जी कहिए, मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकती हूँ? हम लोग मोहन जी से मिलना चाहते हैं। मोहन जी? जी, मिस्टर मोहन सिद्धांत। आप लोग ने आने में देर कर दी, वो तो पिछले महीने ही चल बसे। उनके परिवार में से कोई हैं जो उनसे मिलने आते थे? परिवार से तो नहीं, मगर हाँ एक लड़का हमेशा उनसे मिलने आया करता था, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं। दिखता कैसा था ये लड़का? वो भी याद नहीं, वो दो तीन महीने से आया नहीं ना, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा।
अच्छा, मोहन जी की मौत के बाद उनका सामान लेने कोई आया था? नहीं, उनका सामान अंदर ही पड़ा हुआ है, उनके कमरे में। तो फिर क्या हम उनका सामान देख सकते हैं? हाँ, आइए। ये है इनका कमरा, आइए। सर, ये देखिए मोहन जी की फोटो। जवानी में किसी हीरो से कम नहीं दिखते थे। अरे ये क्या है? क्या हुआ सर? ये देखो, इनके हाथ में ये एंटी घड़ी देख रहे हो? अरे हाँ सर, ये तो बिल्कुल वैसी ही घड़ी है जैसे हमें सुंदर की लाश के पास से मिली थी। मतलब सर, मोहन जी ने ये घड़ी उस लड़के को दी होगी जो इनसे मिलने आता था, और फिर ये घड़ी इस लड़के से वहां छूट गई सुंदर का खून करते वक्त। लेकिन उस लड़के के सर पे ऐसा क्या जुनून सवार था जो उसने खुद मोहन जी से बदला लेने की ठान ली? शायद इस सवाल का जवाब मोहन जी की इस डायरी में मिले। क्या लिखा है सर इस डायरी में? मोहन जी ने लिखा है, सुंदर ने उन्हें धोखा दिया। उसने उनसे वादा किया था कि अजूबा नगर की जमीन पर एक बहुत बड़ा घर बना कर देगा, पर गलत कागज पे साइन करा के सुंदर ने सारी जमीन हड़प ली और उस पे कॉलोनी बनाकर घर बेच दिया। इतना बड़ा धोखा? हाँ फ्रेडी, उन्होंने ये भी लिखा है कि जमीन के साथ साथ वो उन सोने के सिक्कों से भी हाथ धो बैठे जो उन्होंने अपनी उस जमीन के नीचे गाड़े थे। और सुंदर की धोखाधड़ी की वजह से वो बर्बाद हो गए, उनके हाथ से जमीन भी गई और वो सोने के सिक्के भी। मोहन जी ने कभी अपना दुख उस लड़के के साथ बांटा होगा और वो पहुंच गया सुंदर का खून करने। उसने उनका बदला लिया और कॉलोनी भी खाली करा दी। और कॉलोनी खाली कराने के पीछे एक ही मकसद हो सकता है, छुपे हुए सोने के सिक्कों को ढूंढ निकालना। सर, ये तो पूरी तैयारी के साथ आया सोना ढूंढने के लिए। सोना नहीं, इसे लोहा मिलेगा, जेल की सलाखों का लोहा। रेडी है ना? फिर सर पजा। यहां छुपा है सोना, अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिवाय सीआईडी के। सीआईडी?
हेलमेट निकाल। रितेश बाबू, तो आपको सोना चाहिए हा? सोने के पीछे जो है पड़ा, उसे हमेशा रोना ही पड़ा। मैंने खून किया था सुंदर का, मोहन जी का बदला लेना चाहता था, पर साथ ही साथ सारा सोना पाकर अमीर बनना चाहता था। बहुत लंबी प्लानिंग की तुमने, न सिर्फ सुंदर को मारा बल्कि मोहल्ले की वाटर पाइपलाइन के नीचे एक खोपड़ी भी रख छोड़ी, ताकि अजूबा नगर में आत्माओं की अफवाह फैला सको। हाँ, मेरे लिए मोहल्ला खाली करवाना बहुत जरूरी था, ताकि मेरे सोने की खोज में कोई खलल न पड़े। और इसलिए तुमने अमित को भी गहरी नींद सुला दिया, क्योंकि वो वहां अक्सर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आता था और उसे तुम्हारे सोने का राज पता चल सकता था। हाँ, उसे मारने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अमित को मारा, सुंदर को मारा, सिक्योरिटी गार्ड का भी खून किया, अमीर बनने के लालच में तीन तीन खून किए तुमने। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, फांसी सिर्फ एक बारी होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.